और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अतीक अहमद को लेने पहुंची है यूपी पुलिस की टीम। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में 28 मार्च को सुनाया जाना है फैसला। फैसले के समय कोर्ट में अतीक का रहना है मौजूद। साथ ही साथ यूपी पुलिस की टीम अतीक को लेने के लिए गुजरात पहुंची हुई है। उमेश पाल के अपहरण का अतीक पर आरोप लगा हुआ है। तो सुनवाई पूरे होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और बता दें कि आज सुबह अतीक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आज किसी भी वक्त अतीक को लेकर पुलिस टीम प्रयागराज रवाना हो सकती है। सुरक्षा के लिए एसटीएफ भी वहां पर साथ में मौजूद है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक का नाम सामने आ रहा था, आरोप जड़े हैं उनपे और उसी को लेकर पुलिस की टीम प्रयागराज से रवाना हुई है। साबरमती जेल उन्हें लेने के लिए पहुंची हुई है। तो फैसले के समय कोर्ट में अतीक को मौजूद रहना है। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है। तो अतीक अहमद को लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में पहुंची हुई है। और चलिए हमारे सहयोगी अर्पित दर्जी हमारे साथ मौजूद है साबरमती जेल से, लाइव वो वहां पर मौजूद है। तो अर्पित, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी जो अधिकारी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज पुलिस के, वो साबरमती जेल में अतीक से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन जो प्रिजन वैन अभी यहां पे ही खड़ी देखने को मिल रही है, दो प्रिजन वैन यहां पे आई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रयागराज पुलिस का पूरा मन बना चुकी है कि उसको यहाँ से ले जाने की, क्योंकि अभी अंदर जो साबरमती जेल में पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि जो दस्तावेजी यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है ट्रांसफ़र वारंट के आधार पर उसकी वारंट लेने की, वो अभी प्रोसेस चल रही है। इससे पहले मैं जिक्र करूँ तो लखनऊ हाईकोर्ट में भी उसको ले जाया गया था, यहीं से ले जाया गया था। और फिर से एक बार जब जो वर्डिक्ट आने वाला है ट्रायल कोर्ट में, उमेश पाल की जो किडनैपिंग का मामला 2005 में सामने आया था, उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले उसकी हत्या भी हो चुकी है। तो अब ये जो मामला है वो गंभीर बन चुका है। तो ये अतीक है, उसको कोर्ट में मौजूद भी रखने की बात सामने आ रही है। तो एक बड़ी बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज पुलिस यहाँ पे पहुँची है, जब एक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज पुलिस के बाहर निकले थे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछने का प्रयास भी किया था कि क्या हालात है, क्या स्टेटस है, कब उसको अतीक को यहाँ से ले जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। और जो उनके अन्य साथी पुलिसकर्मी हैं उनके साथ अभी बैठे हैं कुछ अधिकारी, पुलिस जी अधिकारी हैं, वो साबरमती जेल में भी बंद है। साबरमती जेल में, माफ़ करिएगा, जो अतीक है उससे पूछताछ अभी कर रहे हैं। तो और एक बात का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा कि दो दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई यहाँ साबरमती सेंट्रल त्रिपाठी का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं विवेक। किसी भी जेल से शिफ्ट करने के लिए किसी को पहले लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर अभी तक आदेश लिया नहीं गया, तो अभी क्या शिफ्टिंग होगी या नहीं? देखिए, कुछ ऐसे मामले होते हैं हर्षा जिसमें आदेश जरूरी होता है, लेकिन 28 मार्च को अतीक अहमद की सजा पर अंतिम मुहर लगेगी। यानी 28 मार्च को उमेश पाल को जो किडनैप किया था अतीक अहमद ने और उसके तमाम एसोसिएट से, गैंग के मेंबर से, उनके नाम शामिल थे, एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी एफआईआर की सुनवाई करते हुए गवाहों के ट्रायल के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 28 मार्च को इस मामले में फैसला सुनाया जाना है और कोई भी फैसला सुनाया जाता है तो आरोपी हाजिर होता है कोर्ट में। ये नियम है कि आरोपी को हाजिर होना चाहिए, बहुत अपरिहार्य परिस्थितियां ना हो वो बात अलग है, लेकिन अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। इसलिए चूंकि 28 मार्च को परसों फैसला आना है, इसलिए कल देर शाम पुलिस की टीमें प्रयागराज से निकली हैं और दो प्रिजन वैन लेकर गई हैं। आप समझिए कि दो प्रिजन वैन क्यों लेकर गई हैं। अतीक एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, गुंडा है, कुछ भी कर सकता है, उसके साथ ही उसको छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए दो प्रिजन वैन लेकर गए हैं। अधिकारियों ने अभी पूरा रूट गोपनीय रखा है कि किस रूट से उसको लाएंगे, चूंकि मजबूरी है, सड़क मार्ग से ही लाना होगा, लेकिन किस रूट से लाएंगे ये पूरा रूट गोपनीय। और ये भी जो दूसरी प्रिजन वैन है वो डॉस देने के लिए लगाई गई है कि अंदर से जेल से दोनों एक साथ निकलेंगी प्रिजन वैन, किस प्रिजन वैन में अतीक होगा और कौन सी खाली होगी ये किसी को नहीं मालूम होगा। एसटीएफ की टीमें, कमांडोज सब साथ में लगे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में दोनों प्रिजन वैन आएंगी और दोनों अलग अलग रास्तों से आएंगी ताकि अगर
अतीक और उसके एसोसिएट्स कोई प्लान भी बना रहे हैं छुड़ाने के लिए, तो वो प्लान उनका कामयाब ना हो, इसलिए दो प्रिजन वैन लाई गई हैं। दोनों, ये कहा जा रहा है कि अलग अलग रास्तों से जाएंगी, अलग अलग रूट से जाएंगी, प्रयागराज पहुँचेंगी और उसके बाद अगर आज शाम तक निकलनी है, क्योंकि औपचारिकताएं बहुत सारी हैं, कागजी प्रक्रिया की जा रही है इस समय जेल में, साबरमती जेल में, जो यहां से विवेचक गए हैं, जो उमेश पाल किडनैपिंग केस की पूरी जिन्होंने जांच की है, विवेचना की है, वो वहां पर पहुंचे हैं, उन्हीं की देखरेख में पूरा ये जो ट्रांसफ़र का जेल से वहाँ से यहाँ लाने का पूरी प्रक्रिया हो रही है, उसका सारे कागजातों पर दस्तखत किए जा रहे हैं, वहाँ अधिकारियों से बातचीत हो रही है और किस समय निकलेंगे ये भी तय नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि गोपनीय तरीके से अतीक अहमद को निकाला जाए और अलग अलग जो रूट है, दो रूट तय किए गए हैं, उसमें से किस रूट में अतीक अहमद की प्रिजन वैन होगी ये भी अधिकारियों ने गोपनीय रखा है, क्योंकि खतरे बहुत हैं, आशंकाएं भी बहुत हैं। यहाँ पर दो प्रिजन वैन तो है, लेकिन साथ में कौन कौन गया? देखिए, जो विवेचक होते हैं हर्षा, वो जाते हैं, विवेचक के अलावा चूंकि सारे केस की पैरवी उन्होंने की, विवेचना उन्होंने की, चार्जशीट उन्होंने दाखिल की, गवाहों के बयान करवाए, ट्रायल में उनकी गवाही हुई, सारी चीज़ें उन्होंने की है, तो विवेचक बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो विवेचक है। उसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं वो उनके साथ सुरक्षा, एक तरह से सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के तहत गए हुए हैं, SCF के लोग भी हैं, कमांडोज भी हैं तमाम, और जाँच एजेंसियाँ हैं, क्राइम ब्रांच के लोग भी हैं, वो प्रोटेक्शन कवर देने के लिए गए हैं कि अगर मान लीजिए रास्ते में कोई भी हादसा होता है, अनहोनी होती है, तो प्रोटेक्शन कवर दिया जा सके। हालांकि जो गुजरात पुलिस है वो भी बॉर्डर तक रहेगी, हर बॉर्डर तक, जब तक गुजरात से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बॉर्डर तक गुजरात के अलग अलग जनपदों की पुलिस इस प्रिजन मैन को सिक्योरिटी कवर देगी। उसके बाद जिस जिस स्टेट से ये लोग आएंगे वहाँ वहाँ सिक्योरिटी कवर वहाँ की राज्य सरकारों को देना होगा, और उत्तर प्रदेश में जहाँ से एंट्री होगी वहाँ से उस जनपद की फोर्स लग जाएगी और तब तक लगी रहेगी जब तक वो जनपद क्रॉस नहीं कर देते। इसी प्रक्रिया के तहत प्रयागराज पहुँचेगी, और ये कहा जा रहा है कि परसों सुबह 10 बजे के आसपास अतीक अहमद को प्रयागराज में कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो माना जा रहा है कि कल देर शाम तक अतीक अहमद सड़क मार्ग से यहां पर आ जाएगा। कल देर शाम को ही दोनों प्रिजन वैन और पुलिस के अधिकारी यहां निकले हुए हैं। किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, चूंकि ये गोपनीयता होती है और गोपनीयता बरतना बहुत ज़रूरी है ऐसे मामलों में, जब एक आप हार्डकोर क्रिमिनल को सड़क मार्ग के जरिए लाने की तैयारी कर रहे हैं तो गोपनीयता बरती जाना बहुत ज़रूरी है। अतीक अहमद पर कोई भी हमला भी कर सकता है या उसके साथी उसको हमला करके छुड़ा भी सकते हैं, छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए ये गोपनीयता ज़रूरी है। अधिकारी पल पल पर गोपनीयता बरत रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज के अलावा जो लखनऊ मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय है, वहाँ के चंद अफसरों को सिर्फ इस बारे में जानकारी दी थी कि अतीक अहमद को लेने के लिए 28 मार्च को फैसला आना है, वहाँ कोर्ट में उसकी पेशी है, उसको लेने के लिए एक टीम यहाँ से रवाना हो रही है। और ये जानकारी प्रयागराज के बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को खुद भी नहीं है कि कोई टीम वहां से पहुंची है, पुलिस लाइन के लोगों को सिर्फ एक दो लोगों को मालूम है, क्योंकि वहां से जो गारंट होती है वो जाती मेडिकल टेस्ट भी कराया गया था सुबह, वो जाती है। देखिए हर्षा, एक ये कानूनी प्रक्रिया है, औपचारिकताएं होती हैं, कोई भी जेल में अगर इंटर होता है या जेल से बाहर लाया जाता है तो उसका दोनों सूरत में मेडिकल टेस्ट होता है, चाहे वो थाने में आएगा, अगर उसके खिलाफ लिखा पढ़ी हो गई या कार्रवाई हो गई तब भी उसका मेडिकल टेस्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि मारपीट होती है, जो पकड़े जाते हैं उनको मारा पीटा जाता है, बेरहमी से उनके साथ सलूक किया जाता है, तो ऐसे में मेडिकल परीक्षण कराया जाना जरूरी है। और मेडिकल परीक्षण इस बात का प्रमाण भी है कि अब अतीक को लाने की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, यानी अभी तक जो संशय बना हुआ था कि अतीक को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, या कोई टीम उससे जेल में पूछताछ करने गई है, उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ करने गई है, ये तस्वीर अब साफ हो गई है कि अतीक अहमद को उमेश पाल के मर्डर केस में नहीं बल्कि किडनैपिंग के केस में, जिसका फैसला आने वाला है 28 मार्च को, उस केस में वहां पर लाने गई है टीम। और मेडिकल परीक्षण हो गया है, यानी ये तय हो गया है कि वहाँ से सारी चीज़ें क्लियरेंस मिल गई हैं, सारे दस्तावेज क्लियर हो गए हैं। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद जो छोटी मोटी औपचारिकताएं, कागजी कार्रवाई जेल की अपनी होती हैं, उन कार्रवाइयों को पूरा किया जा रहा है। उन कार्रवाइयों को पूरी करने के बाद जब सही समय होगा तब उसको जेल से बाहर लाकर प्रिजन वैन में रख के सड़क मार्ग से प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया जाएगा। वो समय कब होगा ये कोई भी नहीं जानता। देखिए, सुरक्षा के साधन होते हैं, चूंकि लंबा सफ़र है, गुजरात से अगर आप साबरमती से चलेंगे प्रयागराज पहुंचेंगे तो कई घंटे का सफ़र है। कल देर शाम यहां से निकली थी गाड़ियां, और चूंकि गाड़ियां खाली थी, सिक्योरिटी थी उसमें, अलग अलग अफसर अपने वाहनों से गए थे, प्रिजन वैन अलग से गई थी, तो
बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वापसी में चूंकि सुरक्षा के इंतजाम बरतने हैं, रात में स्टे भी होना है, कई छोटे छोटे स्पैन में स्टे होना है, आराम करना है, रेस्ट लेना है, चौकन्ना भी रहना है, तो ये लंबा सफ़र होगा अगर अभी दोपहर में 4 या 5 बजे तक भी निकलते हैं वहाँ जेल से। हालांकि आज संडे है, संडे को कोई भी जेल में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन जो रास्ता है वो लंबा है, इसलिए आज उसको स्पेशल परमिशन देके वहाँ से रवाना किया जाएगा। 4 या 5 या 6 बजे तक भी निकलते हैं तो सारा अभी जो अधिकारी जेल के भीतर बैठे हुए हैं, प्रयागराज पुलिस के, एसटीएफ के और क्राइम ब्रांच के, वो ये तय कर रहे हैं कि कहाँ पर उनको रात में स्टे करना है, कहाँ पर रुकना है, कितनी देर रुकना है, कौन से ढाबे पर खाना खाना है, किस जगह पर थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, और वो जगह पूरी तरह से गोपनीय होंगी। इसके साथ ही जो जगह का चयन किया गया है, जिन जगहों का, जिन स्थानों का, वहाँ पर भी पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया जाएगा। ठीक जब वहाँ पहुँचेंगे उससे आधे घंटे पहले ये अलर्ट होगा कि अतीक अहमद को लेकर आ रहे हैं, और तमाम इंतजाम खाने पीने के, आराम करने के सुनिश्चित करने हैं। गाड़ियों की जो एक चेकिंग होती है, ये कहा जाता है कि गाड़ियाँ अगर कहीं रास्ते में धोखा दे जाए तो उनकी चेकिंग भी करने के लिए वहाँ मिस्त्री और जो मिस्त्री है वो मौजूद रहेंगे। तो सारी तैयारियाँ जेल में बैठकर, इस समय भीतर जेल में बैठकर हो रही हैं कि कहीं भी रास्ते में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई चूक ना हो, चाहे वो सुरक्षा संबंधी हो या कोई टेक्निकल गड़बड़ियाँ अगर वाहनों में होती है वो भी ना हो। इसलिए पूरी एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर अधिकारी वहाँ गहन मंत्रणा कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि किस किस जगह पर उनको रुकना है, पहले से सब डिसाइड हो गया, और वहाँ सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जाने को लेकर भी ठीक आधे घंटे पहले जब जिस जगह भी पहुँचेंगे वो अधिकारी अतीक को लेकर, जहाँ भी पहुँचेंगे ये खुलासा नहीं कर रहे हैं, गोपनीय है सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ ठीक आधे घंटे पहले बताया जाएगा कि यहाँ पर अब इतनी देर का स्टे होगा, और वो स्टे भी बड़ा टाइम लिमिटेड है उसका, कि अगर 10 मिनट रुकना है या आधा घंटा रुकना है, उसका एक टाइम दिया गया है कि इतनी देर ही रुकेंगे और उसके बाद वहाँ से अगले गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। अगली कहाँ पर उनका स्टॉपेज होगा इसका भी खुलासा कहीं नहीं किया जा रहा, और जो टीमें लगाई गई हैं रास्ते में, जो पुलिसकर्मी होंगे या जो जब रुकेंगे वहाँ पर जो फोर्स होगी, जो उनकी मदद को आएगी, उनको हॉस्पिटलिटी देने के लिए आएगी, उसको भी अभी तक नहीं पता है कि क्या है, लेकिन अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात से लेकर यूपी तक पूरे रास्ते पर, सारे रास्ते को अलर्ट पर रखा गया है। और एक और सूचना मिल रही है कि जो यूपी पुलिस के टीम है उसके साथ ड्रोन भी है, वहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। ये ड्रोन लगातार रास्ते भर जो प्रिजन वैन में होंगे या फिर पुलिस अधिकारियों के जो गाड़ियाँ गई हैं, जो प्राइवेट गाड़ियाँ से भी कुछ लोग गए हैं गाड़ियों से, वो ड्रोन से भी निगरानी करेंगे पूरे रास्ते की, ताकि कहीं भी अगर रास्ते में अगर आगे या पीछे या कहीं किसी दूर पर कोई घटना, संदिग्ध व्यक्ति नज़र आ रहा है या कुछ ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, तो उसको वो हैंडल कर सकें, उसको समय रहते हैंडल कर सकें, समय रहते मदद बुला सकें। तो ये पूरा रास्ता कम से कम 15 से 20 घंटे का माना जा रहा है। दोनों ही बने रहिए हमारे साथ और जानकारी आपसे लेंगे। यूपी पुलिस की टीम अतीक को लेने के लिए गुजरात पहुंची हुई है। विवेक का रुख करेंगे, विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अंदर खाने क्या खबर आ रही है, क्या ये कंफर्म हो गया है कि उनको अब यहाँ लाया जा रहा है प्रयागराज? जी बिल्कुल, देखिए हर्षा, ये कंफर्म है। पहले इस पर संशय के बादल थे, लेकिन जिस तरह से ये माना जा रहा था कि अतीक को लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, उमेश पाल की हत्या के मामले में उसको पूछताछ के लिए, इंटरोगेशन के लिए यहाँ लाना था, कोर्ट से तमाम बार पैरवी भी की गई, कई बार चिट्ठी भी दी गई, पत्राचार भी किया गया, लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। चूंकि अतीक की एक वकीलों की लंबी फौज ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि अतीक को अगर लाया जाएगा तो रास्ते में उसकी हत्या हो सकती है, उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। लेकिन उमेश पाल का हत्या का मामला अलग है, उमेश पाल के किडनैपिंग का मामला अलग है, अपहरण का मामला अलग है। उमेश पाल को अतीक अहमद ने कई साल पहले किडनैप किया था और उसे ज़बरदस्ती लिखवाया था कागज़ पर कि इस मामले में जो गवाही राजू पाल की गवाह था, वो राजू पाल हत्याकांड का, उसमें लिखवा लिया था अतीक अहमद ने कि राजू पाल के मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने कुछ भी नहीं देखा। ये अतीक अहमद ने किडनैप करके लिखवाया था, उसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी मामले में सज़ा सुनाई जानी है। 28 मार्च को परसों सज़ा सुनाई जानी है और इसी मामले में इलाहाबाद की, प्रयागराज की पुलिस टीम वहां पर पहुंची है अतीक अहमद को लेने के लिए। चूंकि जब भी सजा सुनाई जाती है तो आरोपी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूद रहना पड़ता है। तो अब तक जो संशय के बादल थे या जो चर्चाएं थी उन पर विराम लग गया है। अतीक अहमद रास्ते, सड़क के रास्ते से प्रयागराज लाया जा रहा है, ये तय हो गया है। कल शाम को ही 2 प्रिजन वैन के साथ भारी पुलिस फोर्स और तमाम अधिकारी रवाना हो गए थे प्रयागराज से साबरमती जेल के लिए।
सुबह वो पहुंचे हैं वहां पे और उन्होंने अपनी औपचारिकताएं शुरू की हैं। अतीक अहमद के लिए जो एक कोर्ट का परमिशन होता है, चूंकि वो सजा सुनाई हो चुकी है, तो कोर्ट की जो औपचारिकताएं होती हैं वो उनको दस्तावेज वहां पर दिखाए जेल के अधिकारियों को। जेल के अधिकारियों ने सारे दस्तावेज देखे, उसके बाद सहमति जताई और अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर, चूंकि उसको लाया जाना है सड़क मार्ग से, 15 से 20 घंटे का वक्त लग सकता है या इससे ज़्यादा का भी वक्त लग सकता है। ये वाहनों की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी गति से वाहन चलेंगे, पूरा जो काफिला है वो कितनी गति से चलेगा उस पर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश ये है कि वहाँ से निकाल कर साबरमती जेल से अतीक को सड़क मार्ग से यहाँ पर लाने के लिए, प्रयागराज लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए। अतीक का मेडिकल भी हो चुका है, मेडिकल कराया जाना इस बात का प्रमाण है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब कोई बाधा नहीं है। सिर्फ जो रास्ते का सिक्योरिटी है, रास्ते में जो स्टॉपेज होने हैं, रास्ते में जो सुरक्षा के इंतजाम होने हैं, सिर्फ उन पर चर्चा चल रही है कि आखिर रास्ते में हम कहां तरीके से उनको लाया जाना। तो ऐसे क्या दूसरे राज्यों से परमिशन ले ली गई है? देखिए, इसमें किसी दूसरे राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, कोर्ट का एक आदेश होता है, कोर्ट के आदेश सभी राज्य मानते हैं, उसको बस आदेश की प्रति दिखानी पड़ती है। हालांकि कहीं पर रोके जाने की संभावना नहीं है, चूंकि हाईली जो टॉप लेवल की सिक्योरिटी है वो वहां पर मौजूद रहेगी। अतीक अहमद के साथ जो कमांडोज हैं, SCF के लोग हैं, क्राइम ब्रांच के लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि ड्रोन भी वहाँ पर, जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ ड्रोन भी है, ड्रोन के साथ ही जब वैन चलेगी तो ड्रोन भी साथ साथ चलेगा, वो उसकी निगरानी भी रहेगी, आसपास के एरिए पर निगरानी रहेगी। बहुत सारे रास्ते सुनसान हैं, जंगली रास्तों से भी गुजरना होगा, इसलिए ड्रोन का भी इंतज़ाम किया गया है। तो अब किसी की भी परमिशन नहीं है, जब कोर्ट ने कहा है कि पेशी होनी है, सज़ा सुनाई जानी है अतीक अहमद को, और ये पहला मामला होगा। इसके पहले कई मामले हुए जिसमें अतीक के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अब तक सज़ा शायद ही किसी में सुनाई गई हो। कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते गवाह या तो मुकर जाते हैं, बैकफुट पर आ जाते हैं, सज़ा नहीं होती है, या फिर किसी और वजह से वो मुकदमा ही खारिज हो जाता है। पॉलिटिकल रीज़न भी इसके लिए तमाम रहे हैं। अब ये उमेश पाल का किडनैपिंग केस ऐसा पहला मामला होगा जब अतीक अहमद को बड़ी सज़ा सुनाई जानी है। इस मामले में सज़ा सुनाई जाएगी तो निश्चित तौर पे इस सज़ा का असर उमेश पाल के मर्डर केस पर भी पड़ेगा, चूंकि अतीक अहमद ही उस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं, साजिशकर्ता मुख्य है। साबरमती जेल पे बैठकर उसने जिस तरह से साजिश रची उमेश पाल की हत्या कराने की, और उसमें अपने परिवार के लोगों को इन्वॉल्व किया, अपने बेटे असद को एक लॉन्चिंग के तौर पर इस्तेमाल किया था कि जो क्राइम का प्रयागराज का पूरा आपराधिक साम्राज्य है, अतीक अहमद का साम्राज्य हुआ करता था, वहाँ पर अतीक अहमद के जेल जाने के बाद, और उसके दोनों बेटे अली और उमर भी जेल में हैं, अब असद ही एक ऐसा उसका बेटा बचा था जिसको एक चेहरे के तौर पर, अतीक की फैमिली के चेहरे के तौर पर लाया जा सकता था प्रयागराज। उमेश पाल मर्डर केस में असद को ही चेहरा बनाया गया, क्योंकि शूटर अपना काम कर चुके थे, लेकिन जिस तरह से उसने कार से उतरकर अपनी पिस्टल से गोलियां चलाई, ये माना जा रहा था कि अतीक अहमद ने उमेश के मर्डर केस में अपने बेटे की लॉन्चिंग करनी थी, उसको एक ड्रेडेड क्रिमिनल गैंगस्टर के रूप में सामने लाना था, और जो उसका खौफ है अतीक अहमद का पूरे प्रयागराज क्षेत्र में, पॉलिटिकल लोगों में, कारोबारियों में, पुलिस में और तमाम समाज के लोगों में जो खौफ है वो बरकरार रखने के लिए उसने असद का चेहरा लॉन्च किया था। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया, CCTV कैमरे में असद के फुटेज आ गए और अब असद फरार है। तो इस पूरे मामले में अतीक अहमद की आज यहाँ साबरमती जेल से उसको निकाल के जब ले जाया जाएगा, 20 घंटे या 22 घंटे या 24 घंटे जितना भी वक्त लगे, वो डिपेंड करता है गाड़ियों का जो रूट होगा और उनकी जो रफ्तार होगी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 28 मार्च की सुबह जब उमेश पाल किडनैपिंग केस के मामले में फैसला आएगा, कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व रख लिया था, सारी सुनवाई पूरी हो चुकी है, सारे गवाहों के गवाही हो चुकी है, सभी साक्ष्य संकलित हो चुके हैं, सारे ट्रायल पूरे होने के बाद रिजर्व रखा था फैसला, अब 28 मार्च को फैसला सुनाया जाना है। तो वहां से अतीक को लेकर पुलिस की प्रिजन वैन, दो प्रिजन वैन इसलिए हैं ताकि अगर रास्ते में कोई अनहोनी की आशंका होती है या किसी भी तरह के अतीक के गुर्गे, अतीक के गैंग के लोग उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सुरक्षा के जी विवेक, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपसे और जानकारी लेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।